हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग स्टैलग्मोमीटर। स्टैलग्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन हम दो मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैलग्मोमीटर। पहला मेथड ये है बाय द ड्रॉप काउंट मेथड एंड सेकेंड मेथड बाय द ड्रॉप वेट मेथड। और आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्टैलग्मोमीटर को यूज करके ड्रॉप काउंट मेथड से हम किसी भी लिक्विड के सर्फेस टेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैलग्मोमीटर के पार्ट्स क्या होते हैं। स्टैलग्मोमीटर बेसिकली जो है ग्लास कैपिलरी ट्यूब होता है, मीन्स ऐसा ग्लास ट्यूब जिसमें कैपिलरी होता है और जिसके मिडिल में एक बल्ब होता है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये स्टैलग्मोमीटर है, और ये स्टैलग्मोमीटर ये जो टॉप पोर्शन है यहाँ से हम रबर ट्यूब की मदद से जो है लिक्विड को सक करते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं ये अपर मार्किंग है, और ये जो सेंटर पे देख रहे हैं ये कहलाता है बल्ब, और बल्ब के नीचे है लोअर मार्किंग। और हमने यहाँ पे बल्ब के जस्ट अपर मार्क को मार्क ए से डिनोट किया है और बल्ब के जस्ट लोअर मार्क को मार्क बी से डिनोट किया है। और ये जो नीचे ट्यूब है इसके अंदर कैपिलरी होता है, और ये जो स्टैलग्मोमीटर के लोअर ट्यूब की जो ओपनिंग होती है वो काफी नैरो होती है, मीन्स वहां पे एक ऑरिफिस होता है जिसके थ्रू जो है लिक्विड जो है ड्रॉप के फॉर्म में फॉल होता है, मीन्स गिरता है फ्रॉम द स्टैलग्मोमीटर। तो ये हो गया स्टैलग्मोमीटर के पार्ट्स के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से लिक्विड के सर्फेस टेंशन को डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस स्टैलग्मोमीटर बाय द ड्रॉप काउंट मेथड। तो आइए शुरू करते हैं। हम ये जो सरफेस टेंशन डिटरमाइन करते हैं वो रिलेटिव सरफेस टेंशन होता है, मतलब कि वो लिक्विड की सरफेस टेंशन को स्टैंडर्ड के सरफेस टेंशन से कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड मतलब कि एक रेफरेंस सब्सटेंस लिया जाता है किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए बाय द ड्रॉप काउंट मेथड। तो हमको सबसे पहले इस डिस्टिल्ड वाटर को स्टैलग्मोमीटर में सक करेंगे रबर ट्यूब की मदद से। हमको ये डिस्टिल्ड वाटर को जो हमने लेबल किया था अपर मार्क ए, तो उसके अवॉ तक हमको सक करना है, और स्टैलग्मोमीटर में डिस्टिल्ड वाटर को अपर मार्क ए के अवॉ तक फिल करने के बाद अब हम इस स्टैलग्मोमीटर के जो टॉप पोर्शन है वहाँ पे फिंगर टिप रखेंगे ताकि जो है लिक्विड जो है फ्लो ना हो। और इसके बाद हम इस स्टैलग्मोमीटर जिसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर फिल किया था उसको हम ब्यूरेट स्टैंड में वर्टिकली जो है इसको क्लैंप कर देंगे, और क्लैंप करने के बाद जो हमने फिंगर टिप रखा था उसके टॉप पे उसको हम हटा लेंगे। और जैसे ही हम अपने फिंगर टिप को हटाएंगे तो लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है लिक्विड गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वाटर का लेवल जो है अपर मार्क ए तक पहुंचेगा तो हमको जो है नंबर ऑफ ड्रॉप्स की काउंटिंग जो है स्टार्ट करनी होती है, और जब तक कि ये जो लेवल है वाटर का वो लोअर मार्क बी तक ना पहुंच जाए। इसका मतलब हमको नंबर ऑफ ड्रॉप्स की काउंटिंग करनी है फ्रॉम द अपर मार्क ए से अपर मार्क बी तक। इसका मतलब जब वाटर का लेवल अपर मार्क ए तक पहुंचेगा तो हमको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और जैसे ही वाटर का लेवल लोअर मार्क बी तक पहुंचेगा तो हमको काउंटिंग स्टॉप कर देनी है। मीन्स अपर मार्क ए से लेकर लोअर मार्क बी तक कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरे उसी को हमको काउंट करना होता है, क्योंकि जैसे कि मेथड का नाम ही है ड्रॉप काउंट मेथड, मीन्स हमको इसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करना होता है ऑफ द फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके बाद हमको सेम प्रोसेस को दो बार और रिपीट करना होता है, मीन्स हमको टोटल 3 रीडिंग लेनी होती है डिस्टिल्ड वाटर के नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करने के लिए। तो इसके लिए हमको मीन्स अगेन सक करना है अबाउट द अपर मार्क ए, और उसके बाद अगेन हमको उसको वर्टिकली क्लैंप करने के बाद उसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करना है बिटवीन द अपर मार्क ए टू द लोअर मार्क बी। और ये हो गया डिस्टिल्ड वाटर के लिए। इसके बाद हमको सेम प्रोसेस जो है हमारे लिक्विड सैंपल के लिए करना होता है, लिक्विड सैंपल जिसका हमको सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करना है। तो सेम प्रोसेस को हमको अप्लाई करना होता है और सेम स्टैलग्मोमीटर को यूज करना होता है। तो उस स्टैलग्मोमीटर को हम खाली करेंगे, उसमें से वाटर को रिमूव करेंगे और उसको कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद अब हम उसमें सैंपल को फिल करेंगे। हमने यहाँ पे लिक्विड पैराफिन लिया है सैंपल, और इसको भी हम अबव द अपर मार्क ए तक सक करेंगे रबर ट्यूब की मदद से। स्टैलग्मोमीटर में लिक्विड सैंपल को अपर मार्क ए के अबव तक उसको सक करने के बाद, और उसके बाद अगेन हम स्टैलग्मोमीटर को वर्टिकली जो है क्लैंप कर देंगे ब्यूरेट स्टैंड में, और फिंगर टिप को रिमूव करने के बाद वाटर को फ्रीली फ्लो होने देंगे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा,
और जैसे ही लिक्विड का लेवल जो है मींस लिक्विड का जो मेनिस्कस है वो अपर मार्क ए तक पहुंचेगा, तो उसके बाद जो है हमको नंबर ऑफ ड्रॉप्स की काउंटिंग को स्टार्ट कर देनी है। और जैसे ही लिक्विड का जो लेवल है मींस जो मेनिस्कस है वो लोअर मार्क बी तक पहुंचेगा, तो हमको नंबर ऑफ ड्रॉप्स की काउंटिंग को स्टॉप कर देनी है। मीन्स अपर मार्क ए से लोअर मार्क बी तक लिक्विड का लेवल को पहुंचने तक कितना नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरा उसको हमको काउंट करना होता है। हमने यहाँ पे लिक्विड सैंपल और डिस्टिल वाटर को दोनों को सबसे पहले बीकर में इसको सक किया है, और बीकर में सक करने के बाद जो है उसको हमने उसके टॉप पे फिंगर ट्रिप से उसको क्लोज किया है, और उसके बाद हमने क्लैंप किया है ब्यूरेट स्टैंड में। और आप जो है स्टैलोगमोमीटर को डायरेक्टली वर्टिकली स्टैंड में क्लैंप करने के बाद लिक्विड को सक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमको सेम प्रोसेस जो है 2 times और रिपीट करना होता है लिक्विड सैंपल के लिए, और हमको टोटल 3 रीडिंग्स लेनी होती है हमारा जो लिक्विड सैंपल है उसके लिए भी, जैसा हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए लिया था। और ये जो रीडिंग्स है मीन्स जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने जो काउंट किए उसको हमको रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद हमको जो रेफरेंस लिक्विड लिया था हमने मीन्स जो डिस्टिल वाटर और जो लिक्विड सैंपल लिया था उस दोनों के हमको डेंसिटी को डिटरमाइन करना होता है। तो डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमने यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी बॉटल लिया है, और इस रिलेटिव डेंसिटी बॉटल मीन्स RD जो बॉटल है उसको हम सबसे पहले डिजिटल बैलेंस में एम्प्टी वे करते हैं, और डिजिटल बैलेंस में एम्प्टी वे करने के बाद जो भी वेट आया है उसको हम नोट डाउन करते हैं। और यहाँ पे जो एम्प्टी RD बॉटल का जो वेट आया है वो है 23.19। इसके बाद हम सेम RD बॉटल मीन्स रिलेटिव डेंसिटी बॉटल में हम रेफरेंस लिक्विड मीन्स वाटर को कम्प्लीटली फिल करेंगे, और उसके बाद अगेन हम इसको डिजिटल बैलेंस में वे करेंगे। और यहाँ पे RD बॉटल विथ डिस्टिल वाटर का जो वेट आया है वो है 56.93। और इसके बाद हम अगेन इस RD बॉटल को एम्प्टी करेंगे मीन्स उसमें से वाटर को रिमूव करने के बाद कम्प्लीटली ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद इसमें हम अपने लिक्विड सैंपल को फिल करेंगे। लिक्विड सैंपल को RD बॉटल में कम्प्लीटली फिल करने के बाद अगेन हम इसको डिजिटल बैलेंस में वे करेंगे, और यहाँ पे जो RD बॉटल विथ लिक्विड सैंपल का जो वेट आया है वो है 51.07। तो इसके बाद आते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट पे। सबसे पहले हमको सैंपल लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन करना होता है। तो डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला है किसी भी लिक्विड का वो है मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट अ स्पेसिफाइड टेंपरेचर। तो जिस टेम्परेचर में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस टेम्परेचर को नोट डाउन करना होता है, और उस टेम्परेचर में उस वाटर की जो डेंसिटी है उस वैल्यू को हमको नोट करना होता है। तो हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर की डेंसिटी ली है वाटर की, और उसके बाद इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आई है वो है 0.826 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है और उसका जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कैलकुलेशन का वो ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड किया है, तो जिसका लिंक जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है और किस तरीके से किसी भी लिक्विड के डेंसिटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं गामा से, और डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो है सरफेस टेंशन इक्वल्स टू रो टू एन वन डिवाइडेड बाय रो वन एन टू मल्टीप्लाइड बाय गामा वन। गामा वन यहाँ पे है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और जो कि है 72 डायन पर सेंटीमीटर। और यहाँ पे रो वन है डेंसिटी ऑफ वाटर, और रो टू है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पैराफिन ग्राम पर ml, मीन्स यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड सैंपल लिया जाता है और वो हमने रो टू से डिनोट किया हुआ है। इसके बाद N1 है इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम A टू B, मीन्स A से B तक कितने नंबर ऑफ जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है वो गिरे, तो इसको हमने N1 से डिनोट किया है। और N2 है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सैंपल, मीन्स जो लिक्विड सैंपल हमने लिया था लिक्विड पैराफिन, जिसको A से B तक कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरे तो हमने उसको N2 से डिनोट किया हुआ है। और गामा 2 जो है जिसको हमको कैलकुलेट करना है वो है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड सैंपल एट द सेम टेम्परेचर। तो आप ये जो टेबल देख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन टेबल है। तो हमने डिस्टिल वाटर के लिए जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट किए थे तो हमने ये प्रोसेस को 3 रिपीट किया था, तो 3 रीडिंग्स आई थी, और उसका हाँ जो एवरेज नंबर हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ड्रॉप्स को, तो डिस्टिल वाटर का जो एवरेज नंबर ऑफ ड्रॉप्स आया है वो है 42.3, यही N1 है।
और इसके बाद हमने लिक्विड पैराफिन के लिए जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट किए थे, 3 बार रिपीट किए थे जो प्रोसेस को, तो उसकी जो एवरेज नंबर ऑफ ड्रॉप्स की जो रीडिंग आई है वो है 96.6, जो कि है N2। और इन सारे वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो लिक्विड सैंपल का जो सर्फेस टेंशन वो हमने कैलकुलेट किया है वो है 26.1 डायन पर सेंटीमीटर। मीन्स सर्फेस टेंशन की जो यूनिट होती है CGS सिस्टम में वो होती है डायन पर सेंटीमीटर। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग स्टेलगमोमीटर, बाय द ड्रॉप काउंट मेथड, और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये जितने भी हमने वैल्यूज लिए हैं वो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए लिए हैं, ताकि हम आपको समझा सके कि किस तरीके से जो है किसी भी लिक्विड के सर्फेस टेंशन को डिटरमाइन किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। Thank you very much for watching this video. If you like this video, then please subscribe our channel Solution. Thank you.